हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल लेक्चर बड़ा इंटेंस हो गया था, आज कोशिश करेंगे बड़े रिलैक्स मोड में चलेंगे। आज इतनी टेंशन नहीं बनेगी, ठीक है? जितनी टेंशन थी कल उतनी नहीं बनेगी आज से बेटा। थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे और कल के बाद पूरे रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। बेटा सबसे पहले कल मैंने एक वर्ड पे चर्चा की थी, उस वर्ड का नाम है अकाउंट। क्या होता है अकाउंट बेटा? अकाउंट क्या है? एक समराइज्ड रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, एक जैसी ट्रांजैक्शन का एक जगह पर समराइज्ड रिकॉर्ड प्रोवाइड करना ही अकाउंट है। अगर मैं बोलूं बेटा परचेज अकाउंट, तो पूरे साल भर में मैंने जितनी भी परचेजेस करी है ना, इस परचेज अकाउंट में दिख जाएंगी एक ही जगह पर। अगर मैं बोलूं ना सेल्स अकाउंट बनाया, ठीक है ना? हाँ बोल सकते हो, जेएम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नेचुरल पर्सनल मैं शॉर्टकट में लिख रहा ठीक है जी। और मेरा क्या नोट्स बनाने होंगे आप सब, मैंने कल क्या नोट्स बनाने को ग्रुप में सारे वो पहले मैं चलती यहां से पूरी बाबू इन पर्सनल
इनकम तीन बंद इन्हीं के हिसाब से हम लिखेंगे फिर थोड़ा सा मतलब जानेंगे उसका। ठीक है फिर मोटर रोल है डेबिट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। बाबू अब एक एक करके मैं इन रूल के बारे में कुछ बोलूंगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा ऐसा हो भी सकता है कि ना समझ में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। और यहीं मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ दूंगा, फिर मैं मॉडर्न अप्रोच शुरू करूंगा। आज मॉडर्न अप्रोच के दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है ना, कल वापसी आएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने बोला था कल बहुत इंटेंस था माहौल, आज थोड़ा सा रिलैक्स और कल बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा। ठीक है ना, परसों से मजे, फिर दोबारा मस्ती शुरू, 1.5 महीने एक चैप्टर करना मस्ती कर पे जाओ, आराम से करते हैं। आओ सब सामने देखते हैं बेटा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबू इधर देखना, पर्सनल अकाउंट, जितना भी पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप पड़े, जिस जिसके भी नाम पड़े, चाहे वो डेटर है, क्रेडिटर है, ड्रॉइंग्स है, कैपिटल है, बैंक है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी है, या आउटस्टैंडिंग रेंट है, या आउटस्टैंडिंग कमीशन है, या प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड रेंट है, कुछ भी है, सबके ऊपर एक ही रूल लगता है। रूल क्या है? रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब मेरी तरफ देखना बाबू, मैं बिजनेस, अगर कोई इंसान मुझसे कुछ रिसीव कर रहा है, मतलब मैं बिजनेस, मैंने उसको कुछ दिया, वो रिसीवर है। कहता है अगर कोई भी बिजनेस का रिसीवर है ना, उसको करना डेबिट।
देखो रूल ने क्या कहा, कहता डेबिट द रिसीवर। बिजनेस से कोई इंसान कुछ भी रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर हुआ, कहता उसको करना है हमेशा डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई इंसान बिजनेस को कुछ दे रहा है, बिजनेस रिसीव कर रहा है उससे, तो वो गिवर हुआ, कहता उसको करना क्रेडिट। सिंपल रूल, बिजनेस ने किसी को कुछ दिया डेबिट द रिसीवर, बिजनेस को किसी ने कुछ दिया क्रेडिट द गिवर। मतलब समझ रहे हैं सब, बिजनेसमैन रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बाबू फ्री अकाउंट में रूल डेबिट मतलब समझ में आया बाबू, कोई भी एसेट्स बिजनेस
सब सब क्लियर रहेगा। कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल लगते हैं। हर्षित भाई, हर्षित मेरा भाई, क्लियर का शॉर्टकट बता। सॉरी, क्लियर क्लियर को इलैबोरेट कर, क्लियर वर्ड को इलैबोरेट कर। ई फॉर एसेट, ई एलिफेंट। अच्छा, बोल बोल बोल। ठीक है सात्विक, किन तीन चीजों पर रूल एक जैसे लगते हैं? कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल लगते हैं। रूल क्या है अनुज? अगर ये तीनों चीजें इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगी तो। ठीक है उज्जवल, दो चीजें कौन सी हैं इनपे एक जैसे रूल है? एक्सपेंस फॉर एसेट्स क्या रूल है? अगर एक्सपेंसेस और एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। बाबू मैं मॉडर्न अप्रोच के दो क्वेश्चन ला रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है ना? आप इतने ये नोट डाउन कर लो बाबू, आपने रूल लिख लिए थे, अब आप मॉडर्न अप्रोच लिख दो, इतने में स्क्रीन पर क्वेश्चन ले बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं हमने बेटा, 14 तक इलस्ट्रेशन कर लिया। अगर आपको याद हो 14th इलस्ट्रेशन वो था जिसमें मैं एग्जांपल दे रहे थे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट, ऐसे करके एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, सब मेन तरफ देखेंगे सामने, बिल्कुल सामने। कहता है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। कहता है किस साइड रिकॉर्ड करोगे इंक्रीज को इन इन अकाउंट को,
इन इन अकाउंट के इंक्रीज को किस साइड रिकॉर्ड करोगे और नेचर ऑफ अकाउंट भी बता देना। अच्छा लो जी सुनो बाबू, अगर इसने मुझसे सिर्फ इंक्रीज पूछा है, सिर्फ इंक्रीज, अगर मैं बोलू नेचर ऑफ अकाउंट आया कैपिटल, तो इंक्रीज कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर नेचर ऑफ अकाउंट आया लाइबिलिटी, इंक्रीज कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर नेचर ऑफ अकाउंट आया बेटा रेवेन्यू, इंक्रीज कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। ऐसे ही बेटा अगर नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस या एसेट आया तो इंक्रीज कहां जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है, अब हम ये सोच सकते हैं कि क्या चीज क्या है, क्या चीज कैपिटल है, क्या चीज लाइबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या एसेट्स है, क्या रेवेन्यू है। मुझे लगता है इतना हम सोच पाएंगे बड़े इजीली, आपको लग रहा होगा कि दिक्कत है। चलो जी देख लेते हैं, सब सामने देखना मित्र। बाबू पहली आइटम दी हुई है कैश, सब सामने देखना कैश क्लियर में से क्या है, फटाफट से बताओ। कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रिवेन्यू है, एसेट्स है। सबने पढ़ा, एसेट्स में पढ़ा, मुझसे ही पढ़ा। बाबू नेचर ऑफ अकाउंट में लिखूंगा कैश एक एसेट्स है और इसने पूछा था इसका इंक्रीज कहां जाएगा। एसेट्स का इंक्रीज हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस और एसेट्स पे एक जैसे रूल लगते हैं बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात? आओ जी बाबू मशीनरी सेकंड आइटम। बाबू क्या है मशीनरी? एसेट्स। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों ये क्या क्या करवा रहे हो मुझसे, इससे तुच्छा कोई क्वेश्चन नहीं मिला के जिंदगी में बेटा। डेटर एक एसेट्स है, एसेट्स का इंक्रीज कहाँ जाता है सबको पता है। बाबू डेबिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब सब चुप रहने जिससे कुछ वो बदलेगा। बाबू थर्ड आइटम है, अच्छा सेकंड मशीनरी थी, थर्ड डेटर है। स्पर्श भाई डेटर क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट इन क्लियर में से क्या है डेटर? एसेट ही, ये क्या बता रहे हो? कैश एसेट, मशीनरी एसेट, डेटर एसेट। लो जी बाबू डेटर भी एसेट्स है और एसेट्स का इंक्रीज कहां जाएगा? अगेन डेबिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल। आओ जी आगे बढ़ाते बात। बाबू नेक्स्ट आइटम इज क्रेडिटर, उज्ज्वल क्रेडिटर क्या है क्लियर में से? कैपिटल है, बिल्कुल सही बोल रहा है। रौनक क्या है? कैपिटल है ना, लाइबिलिटी। बाबू क्लियर में से क्रेडिटर क्या है? एक लाइबिलिटी है। भाई कहां पड़ी है मुझसे? लाइबिलिटी साइड ही तो पड़ी है। बाबू सबसे पहले तो नेचर ऑफ अकाउंट इज लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का इंक्रीज कहां जाता है बेटा? डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं बेटा। बाबू फिफ्थ आइटम लिखा हुआ है प्रोपराइटर्स अकाउंट, प्रोपराइटर का अकाउंट मतलब प्रोपराइटर का अकाउंट होता है कैपिटल। कभी बोले प्रोपराइटर्स अकाउंट, इसका मतलब क्या है? कैपिटल। और कैपिटल इन पांचों में से क्या है? कैपिटल ही है बाबू, और क्या है? कुछ कह रहे थे बाबू प्रोपराइटर्स अकाउंट का नेचर क्या है? कैपिटल। और इसका इंक्रीज कहां जाता है? डेबिट। लो बाबू लो लिख दो कहां जाता है इसका इंक्रीज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मिस्टी दी ज्यादा सा आने कंसेप्ट। लो दी रेंट रिसीव, मिस्टी बताएगी रेंट रिसीव। बाबू रेंट रिसीव हुआ इन पांचों में से क्या है? कैपिटल। बहुत बढ़िया बाबू, वो देखो हाँ तो डाउट आगे भाई साहब शाबाशियां लेना चाहते हैं मुझसे, कह रहे एसेट है। मैंने जिंदगी में 12 एसेट पढ़ाई, कभी नहीं लिखवाया रेंट रिसीव, एसेट है लिखे। बाबू इधर देखना बेटा, रेंट रिसीव हुआ बिजनेस के लिए एक इनकम है, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। सुन लो रेंट रिसीव हुआ, कोई भी इनकम रिसीव हो जाए, कोई भी इनकम रिसीव हो जाए, मेरे सामने देखो कोई भी इनकम रिसीव हो जाए बिजनेस के लिए बेटा रेवेन्यू है। ठीक है ना जी, तो रेंट का रिसीव होना एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू का इंक्रीज अगेन क्रेडिट ही होता है। कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू में एक जैसे रूल लगते हैं, इंक्रीज क्रेडिट है। ठीक है, आओ जी केशव भाई सैलरी पेड, सैलरी पेड एक्सपेंस है। बाबू सैलरी पेड एक्सपेंस है
और एक्सपेंस का रूल भी बता दे केशव, इंक्रीज हुआ तो क्या करूं, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज पूछा था क्वेश्चन में, इंक्रीज हुआ तो क्या करूं, बाबू कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल है, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस और एसेट पे एक जैसे रूल है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, ठीक है जी। युवराज लास्ट आइटम है, कहता है इंटरेस्ट रिसीप्ट, इन पांचों में से क्या इंटरेस्ट रिसीप्ट, रेवेन्यू, बाबू इंटरेस्ट रिसीव्ड कोई भी इनकम रिसीव हो जाए रेवेन्यू है, और बाबू रूल क्या कहते हैं, इंक्रीज हुआ तो क्या करूं, क्रेडिट, कोई दिक्कत को अगर शादी तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर बस खड़े हो ही जाना, यानी साल ही देने पेपर, इतने थके हुए क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों आज तुम सीबीएसई को एक चिट्ठी लिखी दो, वही तुम्हारे जमाने की चिट्ठी ईमेल, और कह देना मेल में सीबीएसई पेपर थोड़ा ना लेवल का बनाओ, हम थोड़ा फॉर्म में है पता लगे अगले साल सारे साहब सीबीएसई को चैलेंज देने के चक्कर में, आओ जी पता लगे अभी तो टाइम का भी रख नहीं है, ओहो तुम तो दसवीं पास भी नहीं हो, बहुत तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर, दसवीं पास नहीं हो तुम, कितने निकम्मे बच्चे, दसवीं पास नहीं हो अभी, आगे लो पढ़ो आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 16 बेटा, कहता है ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, क्या हो गया भाई, अगर मैं ऐसे करूंगा क्वेश्चन तो तुझे दिख जाएगा, पहले कॉम्प्लेन भी ना पड़ेगा तेरे को, फिर तो तू तो कह सकता है बात, तो पंखे लेगा मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल, आओ जी सामने देखना बेटा, कहता है ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, सर इस बार डिक्रीज पूछा है, ये है फॉलोइंग अकाउंट, इनका डिक्रीज कहां रिकॉर्ड होगा और मुझे बताना है नेचर ऑफ अकाउंट, तो पहले मैं नेचर ऑफ अकाउंट में देखूंगा क्लियर में से क्या है, और फिर देख लूंगा डिक्रीज कहां पे जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है बाबू, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और एक्सपेंसेस और एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, स्पर्श फर्नीचर अकाउंट का नेचर बता, एसेट्स बाबू फर्नीचर क्लियर में से क्या है, एसेट्स है, और बेटा एसेट्स का डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है, डिग्री से पूछा था ना क्वेश्चन में, आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को, राधे बैंक, बैंक भी बेटा एसेट्स ही है, और बेटा एसेट्स का डिक्रीज हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी वन, प्रोपराइटर्स अकाउंट, अब बताना क्या है प्रोपराइटर्स अकाउंट, क्या है कैपिटल, बेटा कैपिटल का डिक्रीज हमेशा डेबिट होता है, आओ जी बाबू सैलरी पेड, प्रणित या सैलरी पेड एक्सपेंस, बाबू सैलरी पेड इज अ एक्सपेंस, और एक्सपेंस का डिक्रीज हमेशा क्या होता है, आओ जी बाबू सैलरी आउटस्टैंडिंग, बहुत मजेदार अनमोल भाई, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बाबू एक्सपेंस तब होता जब पे कर चुका होता, उसमें का सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने पे नहीं किया, लाइबिलिटी सिर दर्द है भाई, पे नहीं करा आज तक, अगर भी एक्सपेंड बोझ कर बाबू सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखो बेटा अगर वर्ड है सैलरी पेड, एक्सपेंस है पे किया है, ठीक है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी इनकर्ड बट नॉट येट पे, नहीं कर काम निकलवा चुके हो वर्कर से और पे नहीं कर रहे, सर सिरदर्दी है आज नहीं तो कल पे करोगे, तो बाबू लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का डिक्रीज हमेशा डेबिट होता, ठीक है ना, चलो जी ये जो गैस करेगा बहुत समझदार बच्चा है, सुभाष आ कस्टमर,
सुभाष हाइफन करके लिखा है अ कस्टमर। अब देखो मिली जुली राय आना शुरू। सुभाष एक कस्टमर है, बहुत सारों ने सही गेस कर दिया। अगर बहुत समझदार थे, कस्टमर मतलब डेटर है भाई, जिसको उधार पर गुड्स बेचता हूं, जिस भी कस्टमर को उधार पे गुड्स बेचता हूं क्या कहलाता है वो? डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट है। अगर कह रहा है सुभाष एक कस्टमर है आपका, तो बाबू डेटर है सीधी सीधी से बात। और बेटा डेटर है तो मतलब एसेट्स हैं, और एसेट्स का डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मॉडर्न अप्रोच पर वे दो क्वेश्चन टारगेट थे, बहुत जल्दी टारगेट पूरा कर दिया। दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं, अब होमवर्क क्या ही करोगे, इतना टाइम बचा है यहीं पर निपटा दो। ठीक है जी, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, हाथों हाथ निपटा दो इसको। ठीक है, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। बाय।